हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं एक और नया रिव्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ हमेशा की तरह। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये एक मेरी सब्सक्राइबर जो शायद शुरू से मेरी सब्सक्राइबर हैं अनीता राणा जी, उन्होंने मुझे फिर से रिक्वेस्ट किया था कि पतंजलि शिकाकाई शैम्पू का रिव्यू किया जाए। तो फाइनली प्रोडक्ट मेरे हाथ में है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो ये है पतंजलि शिकाकाई शैम्पू। इसकी बॉटल कुछ इस प्रकार की है। ये पर्ल वाइट कलर की एक बॉटल के अंदर आता है, जिसकी एक मुझे पता नहीं कौन सा कलर है, लेकिन ये आई थिंक प्लम टाइप का कुछ कलर है। उसकी ये लिड है। तो बेसिक पैकेजिंग है, जैसी पतंजलि के सारे शैम्पू की पैकेजिंग होती है। इसके ऊपर लिखा हुआ है पतंजलि केश कांति शिकाकाई शैम्पू और हेयर क्लींजर लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये इसका जो प्राइस है वो है, प्राइस कहाँ लिखा हुआ है, 95 रुपीज, और ये 200 ml की बोतल है। तो बेसिकली ये एक शिकाकाई शैम्पू है जो जो ये क्लेम करता है, वो काफी बड़ा क्लेम है जो पतंजलि जो ये शिकाकाई शैम्पू क्लेम करता है। ये कहता है रिड्यूसेस हेयर फॉल ग्रेइंग एंड इची स्कैल्प। तो देखिए, पहली बात तो ये कि आपके बाल काले सफेद होना बंद हो जाएंगे, या काले बाल सॉरी सफेद बाल फिर से काले हो जाएंगे, तो ये सब तो भूल जाइए। एक शैम्पू इतना कुछ नहीं कर सकता है। ये इतना बड़ा क्लेम देने से पहले उनको सोचना चाहिए था। अगर इस शैम्पू की बात की जाए, जो मैं आपको सीधा सीधा और एकदम ऑनेस्टली बताऊं, तो ये शैम्पू सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके बाल बहुत ज्यादा कर्ली हैं या बहुत ज्यादा हैवी हैं। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनके बाल पतले हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आपका मतलब जो इसके अंदर वॉल्यूम जो आता है हेयर के अंदर, वो बिल्कुल नहीं आएगा। एकदम चिपकू चिपकू बाल आपके लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेगा जिनका जिनके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हैं और बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेगा। मैं हाईली बोलती हूँ कि ये प्लीज जिनके बाल पतले हैं और जिनके थिन हेयर हैं, ज़्यादा अच्छे बाल नहीं हैं, या उनके बहुत ज़्यादा कर्ली बाल नहीं हैं, हैवी बाल नहीं हैं, वो इनको बिल्कुल भी शैम्पू को यूज़ ना करें। लिटरली आप गंजे हो जाएंगे। और ये क्लेम इतना बड़ा क्लेम करने से पहले बाबा को दो बार सोचना चाहिए था। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो है शिकाकाई, भृंगराज, गुड़हल, गन्ना, अखरोट। बेस मटेरियल है इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी हैं। तो पतंजलि के कोई भी प्रोडक्ट, मैं सीधा सीधा बोलती हूँ, एक एलोवेरा जेल को छोड़कर बाकी कोई भी प्रोडक्ट उनके पूरी तरह से हर्बल नहीं है। पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव के लिए पैराबिन तो ऐड किया ही गया है। विटामिन ई ऑयल सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल के अंदर यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप हर्बल समझ के इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो मेरा मानना यह है कि आप ना ही यूज़ कीजिए। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कारगर है जिनके बहुत ज़्यादा घने बाल हैं, बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हैं। मैं बार बार इसे रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग पूरा अगर वीडियो नहीं देखेंगे या फिर आप ठीक से नहीं सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। बात करते हैं इसकी स्मेल की। इतनी बेकार स्मेल है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो इसकी जो कैप है वो ऐसे ही खुलती है। ये देखिए, आप किसी भी स्टोर पर जाएंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर पर या मेडिकल पर या पतंजलि के काउंटर पर, तो आपको ये शैम्पू ऐसे ही दिखेगा। तो इस पर कोई सील नहीं होता है। आप बस इसे खोलिएगा और स्मेल कीजिएगा, बस इतना ही करना है आपको। आप बिल्कुल मेरी बात पर भरोसा करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा जो ये प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा गंदा स्मेल करता है। और हेयर के अंदर भी रहती है वो स्मेल, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं शैम्पू करने के बाद हेयर के अंदर वो स्मेल रह जाती है। तो ओवरऑल ये उन्हीं लोगों के लिए सूट करेगा जिनके हेयर बहुत ज़्यादा थिक हैं। तो बाकी लोग इसको ट्राई ना करें शैम्पू को, ये उनके लिए जिनके बाल पतले हैं ये वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा और उनके हेयर और भी ज़्यादा चिपकू चिपकू हो जाएंगे। तो पहले ही उनके बाल पतले हैं, ऊपर से और ये शैम्पू लगा लें तो और पतले हो जाएंगे। कोमल व मुलायम बालों के लिए, तो बाल ये उन्हीं के मुलायम करेगा जिनके बहुत ज़्यादा थिक हेयर है। और प्राइस वाइज ये काफ़ी चीप है। पैकेजिंग इसकी बिल्कुल भी ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। जब आप इसको अपने वॉशरूम में या अपने बाथरूम में इसको यूज़ करने के बाद रखेंगे तो ये कैप कई बार खुली ही रह जाती है।
और ये स्पिल हो जाता है यहाँ से प्रोडक्ट, जो पतंजलि के सारे जितने भी शैम्पू है सब में यही शिकायत है। तो इसकी पैकेजिंग इम्प्रूव करनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। बाकी ओवरऑल आप लोग देख लीजिए, मैंने इसके बारे में सब कुछ जो जो मुझे लगा मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताया है। आई होप कि अनीता राणा जी को पता लग गया होगा कि प्रोडक्ट कैसा है। तो ये था मेरा पतंजलि केश कांति शिकाकाई हेयर क्लींजर का रिव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। आपकी कोई भी सजेशंस, क्वेरी या कोई भी किसी भी तरह का सवाल हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं उनसे भी का आंसर जरूर करूंगी। और तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह।